नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर मध्य प्रदेश से। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को भोजन न मिलने पर प्रशासन की प्रतिक्रिया। आपको बता दें, रीवा जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में शामिल होने आए प्रतिभागियों का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, जिसमें खिलाड़ियों के द्वारा बताया जा रहा था कि उन्हें भोजन नहीं मिल पाया, रात में भूखे सोना पड़ रहा है। उस मामले को लेकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि खुद वह जिस क्षेत्र से आते हैं वहां की टीमें प्रतियोगिता में शामिल होने आई और विजय भी हुई, जिनसे मिलने व स्वयं पहुंचे थे और कई खिलाड़ियों का जन्मदिन भी मनाया। उनसे किसी भी प्रकार की इस तरह की शिकायत नहीं की गई है जो इस खबरें चलाई जा रही है, वह निराधार है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें छात्रों के द्वारा बताया जा रहा था कि उन्हें सिर्फ बिस्किट खाकर रात गुजारनी पड़ी। उक्त मामले का खंडन करते हुए अपर कलेक्टर शैलेंद्र ने क्या बात कही है, आइए सुनाते हैं। अपर कलेक्टर ने प्रशासन के पक्ष में क्या कहा। देख रहे, हमारे साथ नर्मदा की टीम है, क्या नाम बेटा आपका? सूर्य भाटी। सूर्य भाटी जी, सूर्य भाटी जी, कब आए हो आप यहाँ? परसों आए हो। ये बताइए, यहाँ पे खाना किस तरीके मिलता है आपको? जैसे बोले, आपने बोला कि आप भूखे सोए थे। हाँ, सुबह भी कल भूखे सोए थे और शाम को भी दो रोटी मिली थी, फिर रोटी नहीं मिली। तो आपने वहाँ पे तो आपने मांगा नहीं था खाना? मांगा था, वो बोल रहे थे 15 मिनट ऐसे करके 2-3 घंटे हो गए, फिर हम चलेगा सोने, फिर सोने चला गया, फिर हम भूखे ही सोए थे। क्या नाम छोटू आपका? प्रियांशु सैनी। प्रियांशु, देख रहे कितने छोटे बच्चे हैं जिनको संभाग से आकर, और यहाँ प्रशासन तरफ से इतना पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी ये छोटे बच्चे जो भोपाल से आप लोग आए हैं, क्या नहीं मिला बेटा खाना आपको? है? क्या नहीं मिला था खाना? कल रात को ना वहाँ पर भीड़ बहुत हो रही थी और बार बार खत्म खाना हो रहा था, खाना खत्म हो रहा था बार बार, तो फिर आप भूखे सो गए थे। हाँ। उज्जैन वालों को मतलब उधर अलग एक बेंच में दे रहे थे और बाकी सब इधर कर रहे थे। तो आप भी खाना नहीं खाए थे कल? ये भी नहीं खाए थे, ये नहीं खा, वो नहीं खा। और इधर कर जाए आप लोग। क्या नाम बेटा आपका? संदीप पटेल। अंकित पटेल। संदीप। संदीप पटेल, आपको खाना कल नहीं मिला था, भूखे सो गए थे आप? हाँ। और वो बोरा के था हमारे बैग में बिस्किट, हम वो खा के सोए। जो आप बिस्किट घर से लाए थे वो आप खा के सोए, आपको यहाँ पे खाना पे नहीं मिला था? नहीं मिला। नई गाड़ी में तो वीडियो बच्चों का कुछ। देखिए, नई गाड़ी में देवतालाब में माननीय स्पीकर महोदय की अध्यक्षता और निर्देशन में बहुत बड़ा राज्य स्तरीय आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही सफल आयोजन है ये। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में मैं खुद सम्मिलित हुआ था, बीच के कार्यक्रम में, आज समापन के कार्यक्रम में कलेक्टर साहब स्वयं थे, उसमें माननीय स्पीकर साहब थे, और आज ये जो वीडियो जिस दिन का, उस दिन मैं खुद नई गड़ी गया था। मैं क्योंकि रहने वाला हरदा ज़िले का हूँ और नर्मदापुरम संभाग मेरा खुद का संभाग है, तो मेरी 4 टीमें थी जो सेमीफाइनल तक पहुँची हैं, 2 टीमें फाइनल खेली, 2 टीमें फाइनल जीती हुई हैं। तो वो जीतने वाली जो टीम्स हैं उन सब, उन सारे लोगों से मिलने में खुद कल नई गड़ी गया हुआ था, और वहाँ इस तरह कोई शिकायत या इस तरह कोई बात नहीं आई थी। वहाँ का जो कार्यक्रम था वो पूरा हम लोगों ने संचालित किया, मैं ग्राउंड भी गया था, उसके बाद बच्चे जहाँ रुके हुए हैं वहाँ गया था, और अलग से उन लोगों के साथ हम लोगों ने मतलब जो हमारी टीम के टीम मेम्बर थे, शहडोल की टीम के लोग थे, उनके साथ सबके साथ बैठ के अलग से बातचीत भी की थी, मोटिवेट किया था उनको, और कुछ उन लोगों के बच्चों के जन्मदिन थे तो वहाँ जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया था, जिसको मैंने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपडेट भी किया है। तो ये जो भी खबर है मैं इसका पूरी तरह से खंडन करता हूँ जिला प्रशासन की तरफ से, और ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की गलत और भ्रामक खबरों को जो है प्रचारित प्रसारित नहीं किया जाए।